नमस्कार, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल भाटी पावर टूल के अंदर। तो आप लोगों ने बहुत सारी चेनसा मशीन देख ली, आपने डाउन सीसी देख ली, आपने बर्नर सीसी देख ली, दोनों मशीनें आपने यूज कर ली। अगर आप चाहते हो कि इससे अच्छी और मशीन होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी, कैसे चलने में है, कैसे उसका रेट है, तो आज सारी बातों का जो आपको मिलने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए 68 सीसी चेनसा, 72 सीसी चेनसा और 78 सीसी चेनसा। आप लोगों ने नहीं देखी होगी शायद, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसके ऊपर भी चेनसा आ चुकी है दोस्तों। इस सीजन में नया माल आ चुका है और नई क्वालिटी के साथ आ चुका है और नए सिस्टम के साथ आ चुका है, क्योंकि इसमें पेट्रोल की खपत जो है वो कम होगी और चलने की जो स्पीड है वो 62 और 58 के मुकाबले बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आपको देखनी है 68 सीसी मशीन, 72 सीसी मशीन, 78 सीसी मशीन, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आपको इनमें से कोई मशीन ऑर्डर करनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और ऑर्डर बताएं आपको कौन सी मशीन चाहिए, उस मशीन का नाम दीजिए और उस मशीन का कैपेसिटी दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं आपको कौन सी मशीन चाहिए। और तो चलिए हम आपको एक एक का रिव्यू देने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो मशीन है वो 68 सीसी मशीन है, जिसका नाम है DCX गोल्ड और बहुत ही बेहतरीन मशीन है और लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है इसकी जो किक वाली रस्सी जो है वो इसके अंदर जेन्युइन प्लास्टिक दे रखा है, तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी कि ये बार बार रस्सी टूटेगी। और इसके अंदर जो है वो रिंग भी इसके अंदर जो दे रखा है ना, वो एल्यूमिनियम का अलग से दे रखा है, ताकि आपका धागा जो है बार बार कटे ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और फिल्टर की मैं बात करूँ तो फिल्टर आपको मैं दिखाने वाला हूँ, फिल्टर इसके अंदर कौन सा दे रखा है कंपनी वालों ने। तो फिल्टर इसके अंदर जो दे रखा है वो बिल्कुल 62 सीसी वाला दे रखा है, ताकि आप दो बार रिप्लेस कर सको इसको, क्योंकि कई जो फिल्टर है वो मार्केट में उपलब्ध है नहीं। ये फिल्टर मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और फिल्टर ये बहुत अच्छा है औरों के मुकाबले। और इसकी पावर की मैं बात करूँ तो पावर बहुत अच्छा है। और इसका जो साइड वाला चेन हमारा जो गाइड बार टाइट करने का, चेन लगाने का, गाइड बार लगाने का जो साइड का टापा है वो भी अच्छा दे रखा है क्वालिटी वाइज। और मशीनों में आपने देखा होगा जो चेन टाइट करने का जो नट है वो आगे की तरफ आता है, इसका ऊपर की तरफ दे रखा है, ताकि आप चेन टाइट करने में दिक्कत ना आए। इसके अंदर गरारी सिस्टम दे रखा है, आप इसको यहाँ से चेन टाइट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हो जाएगा कम टाइम में। इंजन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है इसकी, बहुत ज़्यादा 21 है। और बाकी इसके अंदर बबल नहीं आने वाली, और मशीन 62 सीसी आपने देखी हुई चलाई होगी, उसके अंदर बबल का ऑप्शन आता है। इसमें सिर्फ चोक दे रखा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बबल वाली जो होती है इसमें हवा रह जाती है, तो मशीन आपकी बहुत ज़्यादा बार ये होता है कि आपकी मशीन ज़्यादा चल नहीं पाती और दिक्कत आती है, तो बार बार रिपेयर कराने जाना होता है। तो इसलिए मैं बता दूँ इसके अंदर बबल वाला सिस्टम नहीं है, सीधा पेट्रोल इंजन सीधा पेट्रोल लेगा, बबल का कोई रोल नहीं है इसमें। और चलाने बेहतरीन है, आसानी से स्टार्ट होगी, ज़्यादा किक मारने की जरूरत नहीं है। और रेट की मैं बात करूँ तो रेट आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। तो दूसरी मशीन जो हमारी आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो 72 सीसी मशीन है, अकारी कंपनी की है, और बिल्कुल बेहतरीन मटेरियल आपको नज़र आ रहा होगा, और फिनिशिंग वाइज बहुत अच्छी है। और आगे का साइलेंसर जो है उसका थोड़ा और ओरिजिनल दे रखा है, साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, बहुत ज़्यादा तीखा साउंड है इसका, मतलब वो चुभने वाला साउंड नहीं मिलेगा आपको। और इसका टप्पा जो है रस्सी का वो भी बहुत जेन्युइन दे रखा है, अच्छी क्वालिटी का दे रखा है, औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और प्लास्टिक की मैं बॉडी की बात करूँ तो बॉडी भी बहुत ज़्यादा हैवी है इसकी। और फिल्टर की मैं बात करूँ इसके अंदर, अगर आप फिल्टर देखोगे तो बिल्कुल सेम आपको मैंने पहले जो दिखाया था फिल्टर उसके जैसा सेम मिलने वाला है। और अंदर की क्वालिटी इसके अंदर प्लास्टिक की दे रखी है, एल्युमिनियम बॉडी नहीं है, ये बॉडी जो होती है इसके अंदर वो एल्युमिनियम नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लास्टिक की बॉडी दे रखी है, ताकि दिक्कत ना आए आपके, और लंबे टाइम तक मशीन को की परफॉर्मेंस जो है वो और ज़्यादा अच्छी चलती रहे। तो हमने इसको लॉक कर दिया, इसके अंदर भी आपको बबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी हैवी मशीन होती है उसके अंदर बबल का ऑप्शन नहीं आता। और साइड के मैं टैपा की बात करूँ तो वो आपको जो दे रखा है वो प्लास्टिक का है, और थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा औरों के मुकाबले बड़ा है, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। और चेन टाइट करने का जो नट है वो आगे की तरफ दे रखा है, और पीछे का भी ऑप्शनल दे रखा है, आप ये भी लगवा सकते हो कहीं भी रिपेयरिंग वाली दुकान पर जाके, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। अलकी नट दे रखे हैं, स्टार एल्की नट दे रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अपनी इसके लगाने में बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मशीन आपको 72 सीसी है और
बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिलने वाली है। अभी जो माल आया उसके अंदर ये नई सीरीज रिलीज हुई है। अगर आपको आपने बहुत सारी मशीन यूज कर ली तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों में से आप एक मशीन चूज करें और हमें बताएं कैसी रही इनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि पीछे से जो माल आया उस मुताबिक मैं बता दूं आपको ये बहुत ही जेन्युइन माल होने वाला है। और तीसरी जो हमारी मशीन है मैं आपको उसका भी रिव्यू देने वाला हूँ। तो तीसरी मशीन जो है हमारी पावर स्टील के नाम से है, वो भी लगभग इनसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर में दे रखी है। और बॉडी मैं बताऊँ बॉडी थोड़ी अलग दे रखी है, बॉडी का साइज़ बड़ा है, अंदर का इंजन का साइज़ भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। दोनों के मुकाबले इसका इंजन बड़ा है। और ख़ास बात इसकी ये है कि आपको इसके अंदर भी साइड की जो मटेरियल है वो जेन्युइन मिलने वाला है। ये जो आपको हैंडल मिलने वाला है ये औरों के मुकाबले बड़ा मिलने वाला है और हैवी मिलने वाला है, तो आपको किक लगाने में आसानी रहेगी। और साइड गार्ड जो टप्पा है वो भी आपको हैवी मिलने वाला है। इसके अंदर भी चेन टाइट करने के लिए ऑप्शनल दे रखा है, आप लगा सकते हो इसमें। और दूसरी बड़ी बात है इसकी जो ऊपर का साइज है वो औरों के मुकाबले बड़ा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मशीन आप जब चलाओगे तो इसके अंदर कचरा जाने का चांस नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से बंद है ये मशीन। और इसका टापा जो थोड़ा औरों के मुकाबले अलग मिलने वाला आपको। और इसके अंदर भी फिल्टर जो है वो सेम ही मिलने वाला, ये फिल्टर ज़्यादा बेहतरीन रहता है औरों के मुकाबले, क्योंकि ये ज़्यादा अब ख़राब हो जाता है, इसको हम रिप्लेस ही करना होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पुराने वाले फिल्टर को आप साफ़ कर लेते हो, वापस लगा लेते हो, तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। मशीन चलाने के लिए आपको चेंज करना ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। और इसके अंदर जो ये टापे का जो ग्रिप है ये स्टील का दे रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अंदर भी बबल का ऑप्शन दे रखा है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो बबल का ऑप्शन, और नहीं लगाओ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि लगाना कोई ज़रूरी भी नहीं है। और स्विच भी नॉर्मल दे रखा है, स्विच की क्वालिटी और मुकाबले थोड़ी हैवी है इसकी। और टंकी की जो बात करूँ, इसके प्लास्टिक मटेरियल की बात करूँ, तो ये औरों के मुकाबले बड़ी है, औरों के मुकाबले हैवी है। और सीसी की मैं बात करूँ तो आपको ये 78 सीसी में मिलने वाली, जो कि अब तक की सबसे बड़ी मशीन है, सबसे बड़ी मशीन का पावर है इसके अंदर। और आप इसके अंदर 24 इंची गाइड बार चला सकते हो, मतलब आपने अब तक चलाई होगी 18 इंची या चलाई होगी 22 इंची, तो आप 24 इंची भी चला सकते हो इसके अंदर, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और अगर आप चाहो लेना तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये आपको मैंने दिखाई थी ये बेहतर सीसी है, और ये आपको मैंने जो दिखाई थी वो है 68 सीसी। 58 और 62 की मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।